उसको बहुत अच्छे से समझना। आईफोन के नेटवर्क सेक्शंस बहुत कम टीचर्स इंडिया में समझाते हैं, तो 2G लूज जा रहा तो आप ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। यहाँ हम बात करेंगे, ये वाली जो IC है ये है WTR, जैसे कि आपने एंड्रॉयड में सुनी होगा। WTR सेम चीज, ये कन्वर्ट करता है IQ सिग्नल को, और डिजिटल लेना और फिर एनालॉग। तो इतनी सारी IC अभी हमने फिलहाल देखी। PA है, 2G PA RF, तो इसको बोल सकते हैं 2G कॉइल्स, जो कि आपको मिलेंगे सीरीज में, ठीक है। और वही ट्रांसमिट IQ सिग्नल को 2G PA में पावर एम्पलीफायर में लो बैंड से लिया, और 2G पावर एम्पलीफायर कपलिंग WFR में जाएगा। सो नोटिस करो कि इन बैंडों के लिए WFR है, और एक RF क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट एम्पलीफायर पे जाकर जाएगा। आइए समझते हैं इसमें तो कोई दिक्कत जाती है तो सर्चिंग इशू, अनस्टेबल सिग्नल्स ये मिल सकते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं 3G और 4G RF सर्किट, तो इस तरह से अलग चलिए उनको हम मेगा बैंड बोलते हैं, राइट। तो ये ऑटोमेटेड सर्किट के थ्रू बनाया है। सो इस वजह से WTR सही होगा तो ही आप वर्क करेगा। फिर उसके बाद में क्या सब जो होंगे वो होंगे PRX, यहाँ पे TX नहीं PR है, और ये टर्न जाकर इन हो गया। अभी प्लग FFP क्लॉक, तो RFFE बस चेक करना बहुत जरूरी है, अब नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप चेक कर लो लोअर एंटीना, लोअर एंटीना के साथ जुड़ा हुआ कौन GR लिखा है, तो GR चेक करो। मल्टीमीटर को अपने डायोड, तो नोटिस करो कैसे चेक करना है। एक सिर आपको ग्राउंड पे रखना है, ठीक है ठीक है, बस करोगे, और एक सिर आप ब्लैक वाला रख दोगे आप यहाँ पर ग्राउंड के साथ, और यहाँ चेक करोगे आपकी जो रीडिंग आनी चाहिए वही वी बैट की। तो ये सेकेंडरी लाइन की आएगी, मतलब BCC की, जो कि 1000 के या 900 के ऊपर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं डेड बूट सीक्वेंस, किस तरह से हमारा फोन ऑन होता है। बूट मॉसफेट लगा होता है, उसके ड्रेन पे जाकर मिलता है। सेम ये वोल्टेज हमारे खुद को ऑन करेगा L1215। तो इस पर आपको तीसरे नंबर पे चेक करना है, मतलब यहाँ पे 1.0 मिल रहे हैं, ठीक है, बाक वोल्टेज, तब आप इसको चेंज कर दो ये क्रिस्टल के साथ, ठीक है। फिर ये आ गया, तो मतलब ये दो वोल्टेज तो आ ही रहे, कभी ना एंड पर ये वोल्टेज बनेगा। तो देखो अभी मैं आप लोगों को कॉइलों को चेक करेंगे, तो आप सीधे इस कॉइल पे चेक, तो आपकी लाइन इतनी रहेगी, ये चीज क्लियर हुई है। इस कॉइलों का जीरा देखें, ये GPU की लाइन पे दो कॉल लगे, बाकी 110। चलिए दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बार आपको वोल्टेज, तो देखो यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0.85 मतलब 0.9, ये हमारा फिर ऐसा के ऊपर 1.8, ये दो पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 3 वोल्ट आएंगे। तो बात कर यहाँ पर देखो, ये LCM2 के ये दूसरे वाले, ये जो लेयर है इसमें से ये जो लेयर है ना देखो रिसेट की, ये लेयर कट जाती है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझो कि डिस्प्ले में ना ज़्यादातर फॉल्ट ही नहीं, ये है ये लाइट का कनेक्शन है, ठीक है, ये देखो 1.8 है। तो हाँ दोस्तों आप 7.8 रिसेट की लाइन का 21501 यही है मेन आपका डिस्प्ले आई है, तो यही 1.8 चेक कर सकते हैं DSO से। सेम कनेक्शन का चेक कीजिए FL202, और अगर मान लीजिए ये वोल्टेज मिल जाते हैं तो MIPI की लाइन में ही सेट की लाइन के साथ, तो अगर आपका AI रिवॉल्व का कोई मतलब नहीं। 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, आप थोड़ा सपोर्ट से पकड़ के,
एक्चुअली मॉस्फेट को हम स्कीमेटिक में समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये गेट है, ये तो सिंपल सी सेम ग्राउंड किया गया, डेट मीन यहाँ पर कोई सप्लाई है जिसको मैं, तो यहाँ पर दो वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर तीन वोल्ट है, तो यहाँ पर चार LED का ग्राउंड के साथ डाला गया है जो कि लो ही है, टाइम ग्राउंड होती है तो LED चलेगी इसके हिसाब से। तो MOSFET की शुरुआत करें, MOSFET की टेस्टिंग में छोटी डायोड में सोर्स, अब इसको चेक करेंगे।